अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं दमान टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा की अहम शहरा दराबन रोड पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 साल कबल सरकारी अराजी और प्रॉपर्टी को कब्ज़ा माफिया से छुड़ाने के लिए तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया और इसी के तहत डेरा में भी ज़िली इंतजामिया ने गैर कानूनी काबजीन से सरकारी अमलाक व गुजार कराई। इसी सिलसिले में डेरा इस्माइल खान में तकरीबन 8000 कनाल कमर्शल व जरी अराजी व गुजार कराई गई, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद बनती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से लगाए गए निशानात मौजूद हैं। तकरीबन 4 माह कबल ये निशानात ज़िली इंतजामिया की तरफ से लगाए गए। दराबन रोड पर मौजूद नाजायज़ तजावजात, जिसमें प्राइवेट स्कूल, बंगले, दुकानात पर ये निशानात और नोटिस दिए गए, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक इस रोड पर इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आवाम का कहना है हुकूमत नाजायज़ तजावजात की आड़ में गरीब लोगों के मेले ठेले तो गिरा देती है और बड़े लोगों को तहफ़ दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ज़िली इंतजामिया कब बासर अफराद से इस रोड पर कब्ज़ा वागुजार करवाती है। आप देख रहे हैं दमान टीवी।